हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे। आज फिर से लेके आया नया कुछ रेसिपी। आज का रेसिपी है आलू गोभी का मसाला, मतलब आलू गोभी की सब्जी। तो देखते रहिए हम लोग का साथ रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैं इधर एक बड़ा गोभी लिया हुआ है और 3 पीस पोटेटो लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पोटेटो और गोभी को अच्छे से कट करूँगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप पोटैटो को अच्छे से कट कर लिया। अभी वॉश करूंगा अच्छे से पानी से। तो फ्रेंड्स, अभी वॉश करने के बाद एक बर्तन में इसको बॉयल बैठाना है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं अभी बॉयल हो रहा है। इसको हाफ बॉयल ही करना है क्योंकि बाद में थोड़ा फ्राई करेंगे। इसको पानी निकाल देना है फ्रेंड्स, बाद में इसलिए मसाला बनाऊंगा इसके लिए। तो इसमें देख सकते हैं ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा तवा में फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, इसलिए बैठा ले एक फ्राई पैन जिसके ऊपर डालूंगा थोड़ा सा ऑयल। अभी रेड ड्राई चिली डालूंगा इसका, मतलब सूखा मिर्ची। तो फ्रेंड्स, अभी ऑनियन को इसके साथ फ्राई करने के लिए छोड़ूंगा। अभी और ग्रीन चिली भी इसके साथ छोड़ना है, इसलिए ग्रीन चिली भी छोड़ दूंगा अभी। और जिंजर गार्लिक भी इसमें छोड़ना है फ्राई करने के लिए। देख सकते हैं ऐसा छोटा छोटा करके कट कर लिया है, ऐसे पतला पतला करके। आप लोग भी ऐसा करके कट कर लीजिएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद और टमाटो बचा हुआ है वो भी डाल दूंगा थोड़ा टाइम बाद, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, क्योंकि टमाटो में थोड़ा पानी रहता है इसलिए। अभी थोड़ा सा ऑनियन थोड़ा पक चुका है, थोड़ा ब्राउन कलर तक आ चुका है, इसलिए अभी टमाटो भी छोड़ना है। अभी अच्छे से भूनना है जितना टाइम थोड़ा नरम होने का, जितना टाइम नरम नहीं होता है उतना टाइम। हाफ फ्राई होगा भी तो चलेगा, बट इसमें क्योंकि वो मिक्सचर में पेस्ट होगा इसलिए। तो मैं देख सकता है कुछ टाइम बाद थोड़ा नरम हो चुका है। अभी उठाऊंगा एक प्लेट के ऊपर, थोड़ा हाफ फ्राई होगा तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिक्सचर में पेस्ट हो जाएगा इसलिए मसाला बन जाएगा। तो मुझे अभी थोड़ा ठंडा करना है, बाद में पेस्ट करना है, क्योंकि तो गर्मी मत डालो क्योंकि बाद में ठंडा करने के बाद ही डालना है इसको। तो मुझे अभी मिक्सचर का जार का अंदर डालूंगा क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो मैं मसाला बांध के अभी रेडी है। अभी एक कढ़ाई का अंदर ऑयल, बाद में जो आलू गोभी जो बॉयल करके हाफ बॉयल करके रखा होता है वो तो वो सब फ्राई करूंगा। तो मैं थोड़ा सा फ्राई हो चुका है वो लग रहा है, अभी उठाऊंगा। देख सकते थोड़ा फ्राई हो चुका है। वो कढ़ाई के अंदर जैसा वो जो कढ़ाई के अंदर में अभी फ्राई किया था गोभी, उसमें थोड़ा ऑयल डालूंगा और भी थोड़ा ज़्यादा चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर डालूंगा अभी। तो फ्रेंड्स, जो ग्रेवी बना हुआ था वो भी डाल दूंगा इसमें फ्राई करने के लिए, जैसा वो मैं बना रहा हूँ तड़का का जैसा। अभी अच्छे से ऐसे भूनना है, देख सकते हैं ऐसे भून रहा हूँ क्योंकि कच्चा जो फ्लेवर जाता है वो सब चला जाएगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर अभी अच्छे से मिक्स कराना है। अभी जो मसाला का जो मिक्सचर में जो मसाला बना हुआ था उसमें थोड़ा पानी डाल के दे रहा हूँ उसके ऊपर से, थोड़ा मतलब लगने का संभावना ज़्यादा रहेगा तो और भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा नमक। बाद में जो गोभी और पोटैटो फ्राई करके रखा हुआ था वो भी डाल दूंगा इसके ऊपर। तो मैं देख सकते हैं थोड़ा सा और भी थोड़ा सा हल्का सा चीनी डाल रहा हूँ इसके ऊपर से, तो थोड़ा सा हल्का मीठा मीठा आएगा। और धनिया पत्ता अभी फिर पानी डालना है।
तो फ्रेंड्स कुछ टाइम बाद अभी गर्म मसाला डालना है, थोड़ा सा घी ऊपर से। तो देख सकते हमारा ग्रेवी पूरा तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स अभी उठाऊंगा एक बोल के अंदर, ये लाइट की वजह से ऐसा कलर लग रहा था, अभी देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका बॉल में उठाने के बाद। तो फ्रेंड्स आज का आलू गोभी का मसाला इतना ही था, आज का रेसिपी इतना है, फिर से लेकर आऊँगा नया कुछ रेसिपी, तब तक हम लोगों का साथ रहिए, धन्यवाद।